हेलो एंड नमस्ते इंडिया, दिस इज अभिषेक एंड यू वाचिंग टू नोस मीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब इनकम को डबल कैसे बनाएंगे। जी हाँ, मतलब आपकी जो यूट्यूब से इनकम होती है उसे आप दोगुना तिगुना कैसे कर पाएंगे विदाउट स्पॉन्सरशिप। केवल यूट्यूब वीडियो की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ चुके हैं हम अपने वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर जो आपकी इनकम होती है आपकी वीडियो से, वो डिपेंड होता है RPM पे। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा RPM क्या होता है। RPM एक लिमिट होती है कि 1000 व्यूज़ पे आपको कितने पैसे आएंगे। ये चीज़ें डिसाइड होती हैं RPM से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, आप अपने RPM को डबल, दोगुना तिगुना कैसे कर पाएंगे जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए। यूट्यूब वीडियो की जो आप पे ऐड चलते हैं, वो ऐड जब RPM आपका ऊपर उठेगा तब आपके वीडियो पे महंगे ऐड चलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा टेलीविज़न पे जब ऐड आता है, टीवी पे जब ऐड आता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि टाइम के हिसाब से ऐड चलते हैं। या आपको पता होगा, आप किसी टीवी कंपनी से अपना ऐड लगाने के लिए जब इंक्वायरी डालेंगे तो वो आपसे टाइमिंग पूछेंगे कि किस टाइम आपका ऐड लगाना है। अगर आप उनसे कहते हैं कि सुबह लगाना है, शाम को लगाना है, दोपहर में लगाना है, सब टाइम का अपना अलग उनका कॉस्ट होता है। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में जो ऐड का पैसा वो आपसे लेते हैं, वो पैसा रात को 12 बजे के बाद और 3 बजे के पहले नहीं लेंगे। उस टाइम ऐड सस्ता होता है, उन्हें पता होता है कि इस टाइम पर ऐड कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए उस टाइम पर ऐड सस्ते चलते हैं। सेम कंडीशन में आ जाते हैं शाम को, अगर आप टीवी देखते हैं 6 से लेकर 11 बजे तक आप टीवी देखते हैं, उस टाइम जो ऐड चलते हैं टीवी पे वो महंगे ऐड होते हैं। उन टीवी वालों को पता है, कंपनी वालों को, कि इस टाइम लोग अपने घर के काम से, ऑफिस के काम से आके टीवी खोल के बैठे हुए हैं। मतलब दैट मीन्स कि ऑडियंस इस टाइम टीवी के सामने ज़्यादा बैठी है, वो इस ऐड को देखेगी, तो ऐड कॉस्टली होता है। नाइट में जब लोग सो जाते हैं उस टाइम ऐड चलाने का कोई मतलब नहीं है, वो सस्ता ऐड होता है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सेम इसी को ले लेते हैं RPM में। RPM में अगर आप अपना वीडियो बनाते हैं, वीडियो का जो टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, टैग होता है, उसे आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में, तो RPM आपका डाउन चलेगा। सेम चीज़ को आप इंग्लिश में लिखते हो तो RPM आपका फास्ट चलेगा, मतलब तगड़ा चलेगा। RPM को हम ऐसे समझते हैं कि आप इंडिया में जब आपका वीडियो व्यू होगा तो इंडियंस मैक्सिमम लोग हिंदी में खोजते हैं अपने वीडियो को, अपने टॉपिक को, लेकिन अमेरिकन जो होते हैं वो उसी चीज़ को इंग्लिश में ढूंढते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने लिखा अपने वीडियो के टाइटल में कि पैन कार्ड कैसे बनाएं, तो अब इंडिया में आपका वीडियो जो ढूंढा जाएगा, जो सर्च होगा, वो पैन कार्ड कैसे बनाएं। मैक्सिमम लोग जो हिंदी, अब चूंकि इंडियन का लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ पर लोग ऐसे ही ढूंढेंगे कि पैन कार्ड कैसे बनाएं। लेकिन सेम चीज़ USA में या UK में कैसे लोग ढूंढेंगे, हाउ टू अप्लाई पैन कार्ड। अब आपके वीडियो में अगर आपने टाइटल यूज़ किया है हाउ टू अप्लाई पैन कार्ड, तो USA में भी वो वीडियो आपका व्यूज़ होगा। अब आप ऐसे अनुमान लगाइए कि USA का $1 यहाँ का कितना बन जाता है, और यहाँ का 1 रुपया USA में कितना बन जाता है। यहाँ का रुपया वहाँ पर माइनस चलेगा, वहाँ का यहाँ पर प्लस हो जाता है। अब आपकी ये वीडियो चल रही है USA में, तो आप, जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम बढ़ गई। इसका एक फंडा है, सीधा सीधा फंडा, कि आप अपने वीडियो में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग जितना भी लगाइए, टोटल इंग्लिश में लगाइए। थंबनेल आप हिंदी में यूज़ कर सकते हैं, बेटर होगा। अगर आप एडिटिंग पे थोड़ा टाइम देते हैं तो आप वीडियो जब आपकी फाइनल हो जाती है तो आप उसमें नीचे उसका ट्रांसलेट करके टेक्स्ट को लगाइए। जितना भी आप वर्ड बोलते हो हिंदी में उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लगाइए, ताकि इन केस मान लीजिए, अब चूँकि USA में आपका वीडियो किसी ने क्लिक तो किया लेकिन वो देखेगा नहीं, इसका रीज़न ये है कि उसे आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी चूँकि आपने वीडियो हिंदी में बनाया। बेहतर होगा जब आप अपने एडिटिंग के टाइम में थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा इफ़र्ट कीजिए। आप जो भी वीडियो बनाते हो, जो भी आप ऐसे बहुत से मूवीज़ या क्लिप्स देखे होंगे जिसमें स्पीच के साथ साथ नीचे राइट डाउन आता है, लिरिकल जो कहते हैं जिसको,
तो आप उस टाइप का जो भी आप बोलते हो उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके सेम हिंदी में आप इंग्लिश में आप नीचे मेंशन कर दो, ताकि वो वीडियो आपका यूके या यूएसए में कहीं से भी किसी ने भी ओपन किया है तो आपकी भाषा उसे नहीं समझ में आएगी, लेकिन नीचे से पढ़ के वो समझ जाएगा कि आप वीडियो में क्या बता रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है आरपीएम इंक्रीज़ करने का, और आपकी इनकम भी इससे बढ़ जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी इनकम दोगुनी या तीन गुनी कैसे होती है। ये टोटल चीज़ें आरपीएम पे ही डिपेंड है, तो आपको सिंपली अपना आरपीएम ही बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ेगा मैं आपको बता चुका हूँ। आपको अपना जो जितना भी लिखते हैं आप अपनी वीडियो में, सब कुछ इंग्लिश में लिखिए, हिंदी का यूज़ मत कीजिए, तभी आपका वीडियो आरपीएम अच्छा चलेगा और आपकी इनकम बढ़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोस्प इंडिया को, आपके अपने चैनल को टॉप पे पहुंचाइए।